फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चैंपियन बने अर्जेंटीना, पर शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि फुटबॉल से ज्यादा फुटबॉल होस्टिंग नेशन न्यूज़ पे हो, वो भी अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट किया था कतार ने। जिनको नहीं पता है, कतार एक अरब कंट्री है जो स्थित है मिडिल ईस्ट में। अगर आपको कतार का साइज देख के हैरानी हो रही है तो बता दे, कतार केरला के 1/3 साइज का है। कतार पहला मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्री है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है। इससे पहले कोई भी मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्री ने फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया है। तो ये कैसे हुआ? कतार दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। कतार की इकोनॉमी GDP पर कैपिटा के हिसाब से हमेशा 10 मोस्ट रिचेस्ट नेशंस में से एक रैंक की जाती है। तो कैसे बना कतार वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड? कतार के पास है बेशुमार नेचुरल गैस की रिजर्व। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस की। बाकी फॉसिल फ्यूल से नेचुरल गैस काफी क्लीन और काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो पूरी वर्ल्ड नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट हो रहा है अपने एनर्जी नीड्स के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ कतार का। पूरी दुनिया हैरान हो गई जब एक इतनी छोटे से देश कतार को फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने का चांस मिला। तो ऐसा क्या किया कतार ने जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को मोस्ट कंट्रोवर्शियल बनाता है? वैसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, पर हम चार प्रमुख कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। पहला, बिड कैसे जीता गया। तो ये बिड क्या होता है? दुनिया का कोई भी कंट्री फीफा को अपना होस्टिंग क्रेडेंशियल्स दिखा के ये कह सकता है कि हमें होस्ट करना है फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि ये काफी प्रेस्टीजियस इवेंट है। तो बहुत सारे नेशंस बिड करते हैं। फीफा के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स वोटिंग के जरिए डिसाइड करते हैं फिर किसे दिया जाए। कतार। तो 2010 के बिड में मिला कतार को 2022 के होस्टिंग राइट्स। कतार बहुत ही हॉट कंट्री है जिसका क्लाइमेट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट करने के लिए। तो जो वर्ल्ड कप नॉर्मली जून जुलाई में किया जाता है, उसे नवंबर दिसंबर में किया गया, क्योंकि तब वेदर कुछ बेहतर होता है। यह फीफा के इतिहास में पहली बार किया गया, तो बहुत सारे रूल्स बेंड किए गए। पर यह इतना शॉकिंग नहीं है जितना कि बाद में पता चला कि कतार ने फीफा के गवर्निंग काउंसिल के 3 मेंबर्स खरीदे थे। तो ये एलिगेशन है कि बिड विन करने के लिए कतार ने $3 मिलियन पे किए थे फीफा को। बाद में कुछ भी साबित नहीं हुआ, पर नवंबर में फीफा के पूर्व प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर, जिनके टेन्योर में होस्टिंग राइट्स दिए गए थे, उन्होंने कहा, इट वॉज ए बैड चॉइस एंड आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो दिख रहा है कि नॉर्मल नहीं था बिडिंग प्रोसेस और काफी इरेगुलरिटीज हुए थे बिड में। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत। बिड मिलने के बाद बनाए गए शानदार स्टेडियम और होटल, पर इसे कैसे खड़ा किया गया? कतार बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए जानी जाती है, और उनमें से एक है इमिग्रेंट वर्कर्स का ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो कतार का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप दिन ब दिन चेंज हो रहा है, तो उसको खड़ा करने के लिए वर्कफोर्स की जरूरत है। कतार ये वर्कफोर्स लाती है मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका से। कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स का मानना है कि कतार प्रैक्टिस करता है मॉडर्न स्लेवरी का। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करता है कतार, तो जानते हैं। पहले वर्कर्स को बुलाया जाता है कह के अच्छी सैलरी दी जाएगी, पर उन्हें बहुत कम सैलरी दिया जाता है। फिर इन वर्कर्स को रखा जाता है बहुत ही गंदे जगह पे, इतनी गर्मी में पूरा दिन काम करना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पसंद ना आए तो वापस जा सकते हैं, पर पासपोर्ट तो एम्प्लॉयर के पास होता है, तो कैसे जाए वापस? माना जाता है कि बहुत सारे वर्कर्स की मौत हुई है इस कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड में। वर्ल्ड कप स्टेडियम बनाने में कितने वर्कर्स की मौत हुई होगी? गूगल की माने तो 6000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। BBC के हिसाब से 1200 वर्कर्स की मौत हुई है, और कतार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 4 लोग मरे हैं इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए। अब क्या सच है, ये सिर्फ कतार कह सकता है और हम अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट?
चलिए गूगल में देखते हैं। ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉस्ड बाय एन इंडिविजुअल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्लेस और प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ओके, तो ये पोल्यूशन के बारे में है। क्या था कार्बन फुटप्रिंट कतार वर्ल्ड कप का? कंपेयर करते हैं उसे पिछले होस्ट रशिया से, तो रशिया का कार्बन फुटप्रिंट था ये और कतार का कार्बन फुटप्रिंट है ये। Oh my gosh. पर कतार और बहुत सारे फुटबॉल आइकन्स ने इसे द मोस्ट सस्टेनेबल फुटबॉल इवेंट कहकर प्रमोट किया है। अफसोर्स, एनवायरमेंट का तो बहुत नुकसान हुआ है। चौथा, LGBT राइट्स और वुमेन्स राइट्स। मेरा मानना है कि फुटबॉल भले ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर ये एक वेस्टर्न गेम है जिसकी ऑडियंस भी मोस्टली वेस्टर्न है, तो जो फ्रीडम उनको उनके देश में मिलता है वो कतार में मिलना थोड़ा मुश्किल है। Why? वो इसलिए क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है कतार में। कतार के वर्ल्ड कप एम्बेसडर का कहना है कि गे पीपल हैव डैमेज इन देयर हेड, यानी गे पीपल का दिमाग खराब है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि LGBT कम्युनिटी को बहुत टॉर्चर किया जाता है स्टेट पुलिस के द्वारा। अब बढ़ते हैं वुमेन्स राइट्स की तरफ। महिलाओं के पास सीमित अधिकार है और उन्हें देश छोड़ के जाने के लिए या ड्राइव करने के लिए मेल मेंबर की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने ये कहा, वी वेलकम एवरीबॉडी बट आल्सो वी एक्सपेक्ट एंड वी वांट पीपल टू रिस्पेक्ट आवर कल्चर। तो ये थे मेरे विचार कतार का 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने पर। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।